उत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार को बसपा की दोनों यानी आगरा लोकसभा से पूजा अमरोही और फतेहपुर सीकरी लोकसभा से राम निवास शर्मा ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। आगरा लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी पूजा अमरोही का कहना है कि आगरा में पानी की समस्या बहुत विकराल है, उस पर काम करेंगी। आगरा बैराज पर ताजमहल होने के बाद भी आगरा पर्यटन नगरी नहीं बन पाया है। हजारों विदेशी पर्यटक ताज दीदार है, लेकिन आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, वो इनकी आवाज उठाएंगी। दूसरी तरफ फतेहपुर सीकरी से बसपा प्रत्याशी राम निवास शर्मा का कहना है कि फतेहपुर सीकरी में मुगलों के जमाने से पेयजल संकट है, भू माफिया जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वर्तमान सांसद का जमीन के मामले में नाम भी आया था। हम चुनकर आएंगे तो हम जनता की आवाज बनेंगे। की देश के मुद्दे हैं, लोकसभा के लिए हम, संसद के लिए हम चुनाव लड़ते हैं, तो पूरे देश के मुद्दों को लेके चलते हैं सरकार का, क्योंकि सरकार वहाँ दिल्ली में बनती है। तो लोकसभा आगरा के अपने मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं बहुत सारे, जिनको लेके हम आएंगे। आगरा में सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या, यमुना प्रदूषित है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। तो हम बैराज की कहा गया था, अभी तक कोई बैराज नहीं थे, हम इस में बैराज के लिए कोशिश करेंगे, लेके आएंगे बैराज को। पूरा हमारा प्रयास यही है कि हम बैराज लेकर आएं। और कहा जा रहा था पर्यटन क्षेत्र बनाया जाएगा, नगरी बनाया जाएगा, कहीं पर्यटन क्षेत्र नहीं है। दुनिया का सातवां अजूबा, हमारे भारत की शान ताजमहल है आगरा में, तो हमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है। एयरपोर्ट है पर नाम के लिए एयरपोर्ट है, कोई फ्लाइट्स नहीं है। हम चाहेंगे जनता की समस्या है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है इस टाइम पे, बेरोजगारी और महंगाई। घर में हर परिवार, हर घर त्रस्त है, और युवाओं की समस्या, हमारी युवा सबसे ज्यादा है हमारे देश में, और लेकिन युवाओं के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, नौकरियां दी नहीं जा रही हैं, जो निकाली जा रही हैं नौकरियां, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहे हैं। जो पेपर कैंसिल होते हैं, हजारों लाखों लोग, अरबों करोड़ों रुपया भरा जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है? तो वो तो जनता तय करेगी कहाँ किस किस सीटें निकलेंगी, कितनी। भाजपा यही कह रही है कि आप बाहरी प्रत्याशी। बाहरी से क्या बनता है, वो सभी बाहरी से मतलब ये नहीं है, उनका दूसरे तरीके का भारी कहना चाह रहे हैं। सब पर भारी प्रत्याशी, सब पर भारी प्रत्याशी। और जब मोदी जी गुजरात से आके यहाँ पे गंगा पुत्र बन के बनारस से लड़ सकते हैं, मैं तो एटा की हूँ, हमारे एटा का जलेसर क्षेत्र, जलेसर विधानसभा लोकसभा में आती है, आगरा लोकसभा में आती है, तो एटा मेरी जन्मभूमि है। कल ही कहा है कि जो विपक्ष के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको कोई जानता नहीं। अच्छा, वो कभी निकले हैं घर से बाहर? कभी बाहर निकलते नहीं है, सिर्फ फीता काट लेते, जनता में निकले, जनता पहचाने, देखे, सिर्फ अखबारों में या उसमें नहीं दिखाई दे, जनता में दिखाई दे। और हमारे बहुजन समाज पार्टी के, हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि हम लोगों के घरों तक ही नहीं, लोगों के दिलों तक पहुंचे, और हम पहुंच रहे हैं, लोगों का बहुत प्रेम और सहयोग मिल रहा है। नहीं, सबसे प्राथमिकता तो कानून व्यवस्था रहेगी, कानून व्यवस्था बड़ी खराब होगी क्षेत्र के अंदर। अब देखिए, हाईवे घेरे जा रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, जमीन माफिया पैदा हुए, फर्जी नाम से बहनाम करा रहे हैं, किसी की जमीन किसी के नाम करा रहे हैं, और सब में अखबारों में लिखा, कौन उसमें तो ये भी लिख दिया कि एक सांसद लिप्त है। आप छिपा सकता है सांसद कौन लिप्त, एक ही सांसद है आप। तो ये सब उनके धंधे भी उल्टे सीधे हैं। मैं चुनाव जीतते ही सबसे पहले जनता को ऐसे दूंगा कि सुख से चैन से रह सके, चौराहे पर निकल सके। अब तो रात में लड़के निकलना है जुर्म में, अब निकल नहीं सकते लड़के चौराहे पर, इतना आतंक है लोगों। मेरी तो जो जनता की प्राथमिकता होगी, जहाँ जहाँ जरूरत होगी, ये अब फतेहपुर सीकरी में पानी की समस्या है, कहीं रोड की समस्या है, कहीं नाले की समस्या है, कहीं खरीदने की समस्या है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबको साथ लेकर। हाँ, तो अब सबसे कम सबसे ज्यादा मार्जिन जा रहे हैं। नहीं, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा, मैं फतेहपुर पार्लियमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चुनाव के अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा उस समय, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है। पर्यटन का क्षेत्र भी है, हाँ उसमें काम करेंगे, हाँ 100%। क्या 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 प्राथमिकता रहेंगी अपनी? नहीं, मेरे एक भी क्या है, मेरा क्षेत्र किसान मजदूर वाला क्षेत्र है, तो ऐसे रोजगार की व्यवस्था करूंगा कि जो आदमी प्लान कर रहा है वहां से प्लान को रोका जाए। किस
किस वजह से पलायन कर रहा है? कोई रोजगार नहीं है क्योंकि पत्थर का काम था, एक्चुअली पहले गिट्टी पत्थर काम बहुत था मेरे यहाँ। मुगल काल से पानी की समस्या चली आ रही है, उसमें भी काम कर रहे हैं? हाँ उसमें काम।